Hello, I welcome you all once again to my channel Explore Education, and I am Dr. Rashmi Singh, Assistant Professor, Department of Education, SS Khanna Girls Degree College, University of Allahabad. And today I am going to discuss a very interesting and important topic under educational psychology, that is identity development in adolescence. जब हम child development पढ़ते हैं, जब हम बाल विकास की अवस्थाएं पढ़ते हैं, तो उसमें किशोरावस्था जो है वो सबसे बहुत important एक हमारा एक life span में एक जगह secure करता है और बहुत इसकी पढ़ने पढ़ाने के educational implications हैं, जिसमें कि identity development एक इसका ऐसा पक्ष है जिस पर बहुत बात की गई है और बहुत crucial पक्ष है ये adolescent या किशोर का. तो आज इसी पर बात होगी एंड लेक्चर विल बी इन बाइलिंगुअल मोड एंड विल बी वेरी यूजफुल फॉर इन जनरल टू एंड इन स्पेसिफिक फॉर वेरियस एग्जामिनेशंस. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल इस पर नहीं जाएंगे हम कि किशोर क्या है, किशोरावस्था क्या है. ये मैं मान के चल रही हूँ कि आपको पता है, फिर भी फ्रॉम द ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी टू द अटेनमेंट ऑफ अडल्टहुड के बीच का जो टाइम स्पैन होता है वो ही किशोरावस्था कहलाती है. बहुत से लोगों ने बहुत सारे स्पैन वो एज रेंज दे रखी है, जैसे कि टीनेजर्स कहलाते हैं ना, जैसे 13 से 19 तक. 12 तक में टीन नहीं आ रहा, 13 में पहली बार टीन आया, से लेकर 19 तक टीन आता है, इसलिए 13 से 19 साल के बच्चे किशोर कहलाते हैं. तो बहुत क्रूशियल पक्ष है ये हमारे जीवन का, हम सभी इससे गुजरे हैं या हम अपने बच्चों को इससे गुजरते हुए देखते हैं. तो आइडेंटिटी, जब हम अब हम एक बार फिर से याद करें, रिकॉल करें, जब हम इरिक इरिक्सन की साइको सोशल थ्योरी पढ़ रहे थे डेवलपमेंट की, पर्सनालिटी की, तो उन्होंने बताया था कई सारे, हर स्टेज का एक डेवलपमेंटल टास्क है और सबका एक कॉन्फ्लिक्ट की स्थिति आती है. अगर हम उसको पार कर लेते हैं, अच्छे से हम उसको रिजॉल्व कर लेते हैं, तो नेक्स्ट स्टेज पे हम स्मूथली चले जाते हैं. तो एडोलेसेंस का उन्होंने बताया था आइडेंटिटी वर्सेज रोल कन्फ्यूजन, यानी कि या तो आइडेंटिटी बच्चा किशोर अचीव कर लेगा या वो कंफ्यूज रहेगा अपने रोल को लेके. तो रोल कंफ्यूज रहेगा तो अगले वाली स्टेज यानी इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन पे अच्छे से नहीं जा पाएगा. लेकिन अगर वो आइडेंटिटी अचीव कर लेता है तो नेक्स्ट स्टेज जो छठवीं स्टेज आती है आइडेंटिटी इंटीमेसी वर्सेज आइसोलेशन, वहां वो उसका स्मूथ ट्रांजिशन हो जाएगा. तो इरिक्सन आइडेंटिटी को कैसे डिफाइन करते हैं, वो कहते हैं इट इज ए फंडामेंटल ऑर्गेनाइजिंग प्रिंसिपल विच डेवलप्स कॉन्स्टेंटली थ्रू आउट द लाइफ स्पैन, यानी कि एक मूलभूत सिद्धांत है हमारे जीवन चक्र का और कॉन्स्टेंटली डेवलप होता रहता है. लेकिन एडोलेसेंस से पहले आइडेंटिटी की बात नहीं आती है, एडोलेसेंस के बाद ही आती है. एडोलेसेंस शुरू होती है, फिर जीवन पर्यंत आप कह सकते हैं कि चलती है, लेकिन इसके पहले, क्योंकि छात्र बच्चा छोटा होता है, वो अपना कोई एक्सप्लोरेशन, कोई सेंस ऑफ सेल्फ, इस तरीके की बातें उसमें नहीं आती हैं. तो आइडेंटिटी बनती कैसे है, हम कैसे पहचानते हैं अपने आप को, हमारी सेल्फ इमेज कैसे बनती है, इन्वॉल्व्स द एक्सपीरियंसेस, रिलेशनशिप्स, बिलीव्स, वैल्यूज एंड मेमोरीज, यानी कि हमारे क्या अनुभव हैं, क्या संबंध हमारे हमारे पीयर ग्रुप से, हमारे पेरेंट्स से, हमारे टीचर्स से, हमारे कम्युनिटी मेंबर्स से हैं, हमारे किन विश्वासों को हम मानते हैं, कौन से मूल्य हैं जो हमारे लिए मूल्यवान हैं, और क्या स्मृतियां अभी तक हमारे जीवन पर्यंत हमको मिली हैं, वो सब मिलके दैट मेक अप ए पर्सन सब्जेक्टिव सेंस ऑफ सेल्फ, किसी भी व्यक्ति का सेल्फ का निर्माण करते हैं. और सेल्फ का निर्माण हमेशा सब्जेक्टिव होता है, ये नहीं कह सकते हैं कि ऑब्जेक्टिव है. क्यों नहीं ऑब्जेक्टिव है, कि ऐसा थोड़ी है कि मैं अपने आप को जिस रूप में देखती हूँ आप भी उसी रूप में देखते हैं. आप अपने एक्सपीरियंस, रिलेशनशिप, बिलीफ, वैल्यूज एंड मेमोरीज के हिसाब से मुझे जज करेंगे, मैं अपने के हिसाब से जज करूंगी, इसलिए हमेशा सब्जेक्टिव होगा. दिस हेल्प्स क्रिएट अ कंटिन्यूअस सेल्फ इमेज that remains fairly constant even as new aspects of the self are developed or strengthened over time. है ना, एक सेल्फ इमेज हमारी रहती है, लगभग कांस्टेंट रहती है, थोड़ा बहुत ही फेर बदल उसमें होता है, ऐसा नहीं है कि हम बहुत जल्दी जल्दी उसमें चेंजेस पॉसिबल नहीं है. और आइडेंटिटी प्रोवाइड्स क्या क्या देती है, हमारा अस्तित्व, हमारी पहचान हमें क्या देती है, सेल्फ सेमनेस, मतलब अ सेंस ऑफ कंटिन्यूटी विद इन द सेल्फ एंड इन इंटरेक्शन विद अदर्स, यानी कि हम अपने अंदर अपने आप को क्या समझते हैं और जब दूसरों से हम बातचीत कर रहे हैं तब क्या हाल है. यूनिकनेस, अ फ्रेम टू डिफरेंशिएट बिटवीन सेल्फ एंड इंटरेक्शन विद अदर्स, वो विभेदीकरण जब हम स्वयं हैं, अकेले हैं, एकाकीपन में हैं, या हम दूसरे के संग बातचीत कर रहे हैं, तो दोनों में एक अंतर आता है ना, वो यूनिकनेस हमारी यूनिक है. साइकोसोशल डेवलपमेंट, मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ फॉर एडोलेसेंस, यानी कि बहुत बात की जा चुकी है कि किशोर की मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य दोनों ही बढ़िया होना चाहिए. ठीक है, आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन पे आ जाते हैं, जो कि इरिक्सन ने कहा कि इस स्टेज का, यानी कि एडोलेसेंट की स्टेज का, ये डेवलपमेंटल टास्क है और ये हर हाल में कंप्लीट होना चाहिए, आइडेंटिटी अचीव होनी चाहिए. ये कह रहे हैं कि इट इज द फिफ्थ स्टेज ऑफ ईगो इन साइकोलॉजिस्ट इरिक इरिक्सन थ्योरी ऑफ साइकोसोशल डेवलपमेंट.
दिस स्टेज अकर्स ड्यूरिंग एडोलेसेंस, ये किशोरावस्था के समय ये चरण आता है बिटवीन द एजेस ऑफ अप्रॉक्सिमेटली 12 एंड 18, 12 से 18, 13 से 19, इस तरह का इसका स्पैन रहता है। ड्यूरिंग दिस स्टेज एडोलेसेंस एक्सप्लोर देयर इंडिपेंडेंस एंड डेवलप अ सेंस ऑफ सेल्फ। इस एज रेंज में, इस उम्र के अंतराल पे जो किशोर होते हैं उनको एक न्यू फाउंड फ्रीडम मिलती है, वो इंडिपेंडेंस उनको मिलती है कि अब बच्चा बड़ा हो गया, वो अकेले आ जा सकता है। अभी हम यहाँ इस उसमें नहीं पढ़ेंगे कि मेल एडोलेसेंट और फीमेल एडोलेसेंट के लिए ऑल टुगेदर डिफरेंट वर्ल्ड है, यहाँ पर हम इसमें नहीं जाएंगे, हम इन जनरल एडोलेसेंट को ले रहे हैं। एंड डेवलप ए सेंस ऑफ सेल्फ, और उसका एक सेल्फ इमेज डेवलप होता है अपने लिए। तो अकॉर्डिंग टू इरिक्सन, इरिक्सन क्या कहते हैं, पीपल प्रोग्रेस थ्रू अ सीरीज ऑफ स्टेजेस एज दे ग्रो एंड चेंज थ्रू आउट लाइफ, यही तो उन्होंने बताया, 8वां तक उन्होंने बताया है, मृत्यु काल तक, एकदम वृद्धावस्था तक उन्होंने बता रखा है कि हम कैसे हमारे सीरीज ऑफ स्टेजेस हमको मिलती हैं। ड्यूरिंग ईच स्टेज, हर स्टेज पे, हर चरण पे क्या होता है, एवरीवन फेसेस अ डेवलपमेंटल कॉन्फ्लिक्ट, हर व्यक्ति को एक विकास के द्वंद से गुजरना पड़ता है, यानी कि अगर हम उसको हासिल कर लेंगे तो नेक्स्ट स्टेज पे अच्छे से चले जाएंगे, नहीं हासिल कर पाएंगे तो दिक्कत की स्टेज आएगी, फिर हमारी पर्सनैलिटी डिस्टॉर्टेड हो जाएगी, दैट मस्ट बी रिजॉल्व टू सक्सेसफुली डेवलप द प्राइमरी वर्च्यू ऑफ दैट स्टेज। तो उस स्टेज की जो प्राइमरी वर्च्यू है, जो मुख्य गुण है, उसको हमको हासिल करना है, इस हिसाब से विकास होना चाहिए। इरिक्सन वॉज इंटरेस्टेड इन हाउ सोशल इंटरेक्शन एंड रिलेशनशिप्स इफेक्ट डेवलपमेंट एंड ग्रोथ, और इरिक्सन की रुचि किसमें थी, इसमें थी कि कैसे सामाजिक अंतः संबंध हमारे बनते हैं, हमारे रिलेशनशिप्स कैसे हैं, और वही हमारी डेवलपमेंट और ग्रोथ को प्रभावित कर रहे हैं, इसीलिए इनकी थ्योरी को साइको सोशल डेवलपमेंट का नाम दिया गया है। ठीक है, फिर आइडेंटिटी डेवलपमेंट की जो स्टेजेस हम पढ़ने जा रहे हैं वो इरिक्सन की बताई हुई है, उन्होंने तो हमको बता दिया कि आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन है और आइडेंटिटी अचीव होनी चाहिए। जेम्स मार्शिया ऑल्सो डेवलपमेंटल साइकोलॉजिस्ट, ये भी एक डेवलपमेंटल साइकोलॉजिस्ट थे, इन्होंने कहा डिस्क्राइब सिमिलर टास्क फॉर एडोलसेंट, इन्होंने भी किशोरों के लिए लगभग सिमिलर टास्क बताए, बट रादर देन कैरेक्टराइजिंग देम एज स्टेजेस, लेकिन उन्होंने उसको चरणबद्ध नहीं किया, ही बिलीव द प्रोसेस वॉज नॉन लीनियर, इन्होंने माना कि जो आइडेंटिटी का अचीवमेंट है, वो जो प्रोसेस है, वो जो प्रक्रिया है, वो रेखीय नहीं है, मतलब स्टेज वाइज नहीं जा रही है। मार्शिया प्रपोज दैट स्टेटसेस ऑफ आइडेंटिटी डेवलपमेंट अकर इन रेस्पॉन्स टू क्राइसिस इन डोमेन सच एज स्कूल रिलेशनशिप्स एंड वैल्यूज रादर देन प्रोग्रेसिंग इन ए लीनियर फैशन, मतलब एक रेखीय गति में ये नहीं जा रहा है। तो इन्होंने हमको कौन सी चार स्टेजेस बताई हैं जिनके थ्रू होके एक एडोलेसेंट, एक किशोर अपनी पहचान का निर्माण कर सकता है। पहले बताया इन्होंने आइडेंटिटी डिफ्यूजन, फिर आइडेंटिटी फोर क्लोजर, तीसरे नंबर पे आता है आइडेंटिटी मोरेटोरियम, और चौथे नंबर पे आता है आइडेंटिटी अचीवमेंट। तो आइडेंटिटी डिफ्यूजन क्या है, आइडेंटिटी डिफ्यूजन से समझ में आ रहा है कि कुछ ठीक नहीं है हिसाब किताब, रोल डिफ्यूजन इसको कहते हैं, मतलब हम डिफ्यूज्ड स्टेट में, मतलब हमने कुछ तय नहीं किया है। तो इन अकॉर्डिंग टू मार्शिया ये कहते हैं कि आइडेंटिटी डिफ्यूजन वो स्टेज है जहाँ एडोलेसेंट जो है वो बिल्कुल किसी भी रोल से कमिटमेंट उसका नहीं हुआ है ना, जैसे इट इज द स्टेज स्टेटस ऑफ एडोलेसेंट्स हु हैव नॉट मेड अ कमिटमेंट टू अ पर्टिकुलर आइडेंटिटी, किसी भी पहचान से हम अपने आप को सामीप्य स्थापित नहीं कर पा रहे हैं। ए यूथ हु हैज नॉट येट कंसीडर्ड कॉलेज और जॉब प्रॉस्पेक्ट्स, मतलब एक युवा है जिसने अभी तक नहीं चुना कि उसको कौन सा कोर्स लेना है, कौन से स्कूल में, कॉलेज में एडमिशन चाहिए, किस दिशा में उसको जाना है, तो उसको क्या कहा जाएगा, फॉर एग्जाम्पल कुड बी सेट टू बी इन द आइडेंटिटी डिफ्यूजन स्टेटस, उसको कहा जाएगा कि भैया तुम्हारी आइडेंटिटी डिफ्यूज है, क्यों, क्योंकि तुमने ना कमिटमेंट किया है ना तुमने कुछ एक्सप्लोर किया अभी तक विद रेस्पेक्ट टू हिज प्रोफेशनल आइडेंटिटी, लेकिन प्रोफेशनल आइडेंटिटी डिफ्यूज हो सकता है, पर्सनली उसकी आइडेंटिटी एकदम बढ़िया हो। फिर इसके आगे दूसरी स्टेज, दूसरा नाइन, मतलब स्टेज नहीं है ये, रेखीय नहीं है ये, इन्होंने सिर्फ बताया कि इन इन अवस्थाओं में हो सकती है हमारी आइडेंटिटी की दशा। आइडेंटिटी फोर क्लोजर क्या है कि इस स्टेज में हमने कमिट कर लिया किसी आइडेंटिटी को, लेकिन हमने एक्सप्लोर नहीं किए हैं वो ऑप्शंस जो हमारे इर्द गिर्द अवेलेबल हैं। कैसे कमिट कर लिया, या तो पीयर प्रेशर है, हमारे दोस्त वही कोर्स कर रहे हैं, हमारी सहेलियां उसी कोचिंग में एडमिशन ले रही हैं, या हमारे माता पिता चाहते हैं कि हम ये करें। इन्वॉल्व्स कमिटिंग टू एन आइडेंटिटी प्री मेच्योरली विदाउट एक्सप्लोरेशन और चॉइस, हमें जल्दी से चुन लिया है विदाउट एक्सप्लोरेशन, कुछ भी खोजा जाना परखा नहीं है। दिस माइट अकर फॉर एग्जाम्पल व्हेन ट्रेडिशंस आर कंपलसरी और पेरेंट्स आर इंसिस्टेंट ऑन ए पर्टिकुलर आइडेंटिटी, है ना, जब हमको पता हो कि हमको यही बनना है, या हमको पता हो कि हमारे माता पिता यही चाहते हैं तो हम फोर्सफुली वो बन जाएं। फोर क्लोजिंग कॉन्शियस चॉइस बाय द एडोलेसेंट, तो हमने कॉन्शियसली कुछ नहीं चुना है, अनकॉन्शियसली या डेलिबरेटली चुन लिया। आता आइडेंटिटी मोरिटोरियम, ये क्या स्टेज है, ये कह रही है कि हमने बहुत कुछ एक्सप्लोर कर लिया है ना, हमको बहुत सारे ऑप्शंस दिए गए, हमको फ्रीडम दी गई कि भाई तुम चुन लो तुम क्या बनना चाहते हो, लेकिन हम चुन नहीं पा रहे हैं, हम कमिट नहीं कर पा रहे हैं किसी आइडेंटिटी को। ये है इट इज अ स्टेज ऑफ एक्टिव एक्सप्लोरेशन, हम एक्सप्लोर तो बहुत कर रहे हैं कपल्ड विद लो कमिटमेंट, लेकिन साथ ही हमारा कमिटमेंट लो है टू ए पर्टिकुलर आइडेंटिटी। दिस इज
एन इंटरेस्टिंग, एक्साइटिंग एंड पोटेंशियली डेंजरस टाइम फॉर एन एडोलेसेंट, मतलब ये किशोर के लिए डेंजरस टाइम भी है. क्यों? क्योंकि वो उलझा रह जाएगा अपने इतने तरीके के ऑप्शंस में. तो हमारा क्या रोल होना चाहिए, अथॉरिटी फिगर का, पेरेंट का, गार्जियन का, कि उनको फ्री तो छोड़ें एक्सप्लोर करने के लिए, बट ऑल्सो नीड गाइडेंस एंड सपोर्ट टू प्रोसीड सेफली थ्रू दिस स्टेटस, ताकि इस स्टेटस को हम सेफली क्रॉस कर पाएं. और लास्ट में हमारी आइडेंटिटी अचीव हो जाएगी. यहाँ क्या होगा, हम बहुत सारे ऑप्शंस एक्सप्लोर भी करेंगे और जो बेस्ट सूटेड ऑप्शन हमारे लिए होगा उसको हम अचीव भी कर लेंगे, उससे हम कमिटमेंट अपना शो करेंगे. फिर कुछ और लोगों ने, साइकोलॉजिस्ट ने हमको बताया है आइडेंटिटी डेवलपमेंट के बारे में. जैसे एडम्स एंड मार्शल कहते हैं कि आइडेंटिटी फॉर्मेशन प्रोवाइड्स 5 फंक्शंस, अ स्ट्रक्चर इन ऑर्डर टू सेल्फ नॉलेज, यानी कि सबसे पहले हमको स्वयं का ज्ञान होना चाहिए, हम क्या हैं, हमारे क्या इंटरेस्ट हैं, हमारे क्या एप्टीट्यूड हैं, हम क्या बनना चाहते हैं. अ सेंस ऑफ कंसिस्टेंसी एंड कोहेरेंस टू बिलीव गोल्स एंड सेल्फ नॉलेज, ऐसा नहीं कि आज हम ये बनना चाहते हैं, कल वो बनना चाहते हैं, परसों कुछ और बनना चाहते हैं, तो नहीं आइडेंटिटी अचीव हो पाएगी. हमको कोहेरेंटली उससे स्टिक करके रहना पड़ेगा. अ सेंस ऑफ कंटिन्यूटी फॉर वंस हिस्ट्री एंड फ्यूचर, यानी हमारा भूतकाल और हमारे भविष्यकाल के बीच में भी कंटिन्यूटी होनी चाहिए. अ सेंस ऑफ पर्सनल कंट्रोल ऑफ देयर चॉइसेस एंड आउटकम्स, और जो उनका चॉइसेस का और आउटकम पे हमको एक पर्सनल कंट्रोल भी होना चाहिए. इरिक इरिक्सन बिलीव दैट द प्राइमरी साइकोसोशल टास्क ऑफ एडोलेसेंस वाज टू एस्टैब्लिश आइडेंटिटी, यानी कि पहला जो टास्क एडोलेसेंट का होना चाहिए वो होना चाहिए क्या, कि वो एक आइडेंटिटी को एस्टैब्लिश कर सके. दिस स्टेज इंक्लूड्स क्वेश्चंस रिगार्डिंग देयर अपीयरेंस, वोकेशनल चॉइसेस एंड करियर एस्पिरेशंस, एजुकेशन, रिलेशनशिप, सेक्सुअलिटी, पॉलिटिकल एंड सोशल व्यूज, पर्सनैलिटी एंड इंटरेस्ट, मतलब क्या क्या चीज़ें आती हैं जो हमारा सेल्फ का निर्माण करती हैं या आइडेंटिटी का फॉर्मेशन करती हैं. हम कैसे दिखते हैं, हम क्या बनना चाहते हैं, हमारी चॉइसेस क्या हैं, हमको कैसी शिक्षा मिली है, कैसा हमारा रिलेशनशिप है हमारे इर्द गिर्द के लोगों से, सेक्सुअलिटी इस वक्त इमर्ज होती है, सेम सेक्स और ऑपोजिट सेक्स के संग कैसा रिलेशनशिप है आपका, पॉलिटिकल सोशल आपके व्यूज क्या हैं, कैसी आपकी पर्सनैलिटी और क्या रुचि के क्षेत्र हैं, ये सब कुछ मिलाकर. ओके, एंड देन ड्यूरिंग एडोलेसेंस वी एक्सपीरियंस अ साइकोलॉजिकल मोरेटोरियम वेयर टीन्स पुट ऑन होल्ड अ कमिटमेंट टू आइडेंटिटी व्हाइल एक्सप्लोरिंग द ऑप्शंस. तो होता क्या है जनरली कि हम मोरेटोरियम वाली स्टेज में पहुंच जाते हैं, यानी कि बहुत कुछ हम एक्सप्लोर करते हैं पर हम कमिट नहीं कर पाते हैं कि हमें क्या बनना है. बेनिफिट्स ऑफ आइडेंटिटी, अगर हम आइडेंटिटी हमारी अचीव हो गई तो क्या होगा, बढ़िया कमिटमेंट हम शो करेंगे, हमारे अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस आ जाएगा, सेंस ऑफ इंडिपेंडेंस आएगा और फिडेलिटी, ये कह रहे हैं ना कि प्राइमरी वर्च्यू, तो एडोलेसेंट की स्टेज की प्राइमरी वर्च्यू फिडेलिटी है. वो कहते हैं अगर आप फिडेलिटी अटेंड कर ले रहे हैं, ट्रूथफुलनेस आप में अपने प्रति है, तो हम नेक्स्ट स्टेज जो कि इंटीमेसी वर्सेज आइसोलेशन है उस पर आसानी से चले जाएंगे, जो छठवीं स्टेज बताई है एरिक्सन ने. ठीक है, कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ रोल कंफ्यूजन, अगर आइडेंटिटी अचीव नहीं हो पाई तो क्या होगा, रोल कंफ्यूजन वाली स्टेज में चले जाएंगे, तो क्या उसके परिणाम होंगे या दुष्परिणाम क्या होंगे उसके, कि हम कमिटमेंट नहीं शो कर पाएंगे किसी चीज से, हमारी मेंटल हेल्थ और वेलबींग अच्छी नहीं होगी, हमारा वीक सेंस ऑफ सेल्फ होगा और हमारे पास कॉन्फिडेंस भी नहीं होगा. तो क्या करें, हाउ टू डिक्रीज रोल कंफ्यूजन, रोल कंफ्यूजन को कैसे घटाया जाए, बिल्ड ऑन योर स्ट्रेंथ्स, आप अपनी शक्तियों पर, अपनी ताकतों पर, आपके पॉजिटिविटीज पे काम कीजिए, ट्राई न्यू थिंग्स टू डिस्कवर वॉट यू लाइक, जो हमको पसंद है उसके लिए हमें नए इनोवेटिव तरीके खोजते रहने होंगे, मेक कमिटमेंट्स एंड सेट गोल्स, हमें कमिट करना होगा कि हमें ये पाना है, हमें अपने लक्ष्य निर्धारित करने होंगे, एंड पार्टिसिपेट इन एक्टिविटीज दैट आर रिलेटेड टू योर इंटरेस्ट, और हमें उस तरीके की एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करना होगा जो हमारी रुचि की है. अगर ये सब हम करते हैं तो रोल कन्फ्यूजन कम होगा, आइडेंटिटी फॉर्मेशन हो जाएगा, और आइडेंटिटी फॉर्मेशन हो जाए यही हम चाहते हैं, यही टास्क है हमारा एडोलेसेंट की स्टेज का. ओके, देन I have completed a very important topic and very, you can say, beneficial for everyone, है ना? सभी के लिए ये जरूरी है, आप किसी भी क्षेत्र से जुड़े हुए हैं तो आपको जरूर लाभप्रद होगा. सो थैंक यू एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एक्सप्लोर एजुकेशन. ओके, एंड ज्वाइन माई टेलीग्राम ग्रुप 2, डन फ्रॉम माई साइट.